हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का जीएस प्लस की क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, पॉलिटी में मैंने अभी भाग 5 शुरुआत किया है। उसमें मैंने प्रेसिडेंट के बारे में सभी चीज़ों पर आपसे विस्तृत परिचर्चा कर ली है। प्रेसिडेंट में हमने जो भारतीय संविधान, उसके निर्वाचन को लेकर, पद को लेकर, शक्तियों को लेकर, वेतन को लेकर, तमाम जो प्रावधान करता है, उन सभी प्रावधानों में उनसे संबंधित अनुच्छेदों को हमने पढ़ा और उन सभी को बहुत अच्छे से जाना। आज हमें प्रेसिडेंट से आगे दूसरा कार्यकारी, जो हमारे यहाँ एक तरीके से पूरे अधिकारी हैं, उनमें जो द्वितीय पद सबसे अहम होता है राष्ट्रपति के बाद, वह होता है आपका उपराष्ट्रपति। तो आज पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसके कार्य, दायित्व, पद आदि तमाम चीजों की जो भारतीय संविधान व्यवस्था करता है, उन सभी चीजों पर हम विस्तृत जो है परिचर्चा करेंगे। तो बहुत कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को सुनते रहना है। जो चीजें आपने पढ़ा है अभी तक उपराष्ट्रपति से संबंधित, उसमें कुछ नई चीजें भी मिलेंगी, तो बहुत ध्यान से आपको पूरे इस व्याख्यान को सुनना है। आप सभी को मालूम है कि ये सारे जो कोर्स हैं, सारे वीडियोज हैं, ये सब कुछ आपको टीम परीक्षा प्लस निःशुल्क प्रदान कर रही है। और यह हमारा 10+ कोर्सेज के अंतर्गत एक प्रोग्राम है, जिसमें हम सभी वीडियोज आपको फ्री दे रहे हैं। अगर आपको डेली बेसिस पर हमारे नोट्स चाहिए हर एक क्लास की प्रॉपर वे में, तो उसके लिए आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसमें हर एक क्लास की PDF, साथ ही साथ हम आपको उससे संबंधित क्विज जरूर देते रहेंगे। ठीक है, सारे लोग परीक्षा प्लस का ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि वहां पर ऐप में सारी चीजें बहुत क्रमबद्ध तरीके से लगी हुई है। ठीक है, बाकी आपको किसी क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके लिए इस नंबर पर आप कॉल करें। इसमें 10+ से जुड़ना है, EPFO क्रैश कोर्स से जुड़ना, UPBCS प्री से जुड़ना, BU से जुड़ना, किसी से भी जुड़ना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, या आप सीधा हमारे ऐप से परचेज करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहाँ सारे क्रैश कोर्स लगे हैं, उनसे डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना सारी चीजों को, कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या इसके दायित्व हैं, क्या इसके कार्य हैं, कैसे कैसे चीजें चलती हैं, सभी के बारे में बहुत गहन परिचर्चा होगी। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति भारत में तो देश का दूसरा सर्वोच्च पद मानते हैं। पहला तो आपका प्रेसिडेंट का होता है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का होता है। अपने यहां उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद के तर्ज पर बनाया गया है। वहां भी उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, उच्च सदन का वो सभापति होता है। अपने यहां भी जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये उच्च सदन के सभापति के तौर पर कार्य है इसका, पूरा का पूरा वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक, अन्य भी बहुत सारे ऐसे दायित्व हैं उपराष्ट्रपति के जो वह निभाता है, लेकिन जिसके लिए उपराष्ट्रपति के लिए विशेष कार्य कोई नहीं सौंपे गए, इसके कार्यों में वही आता कि सदन, जो उच्च सदन है हमारा, जिसको राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा का संचालन ये करता है सभापति के तरीके, जैसे लोकसभा का संचालन अध्यक्ष करता है, उसी अनुरूप ये उच्च सदन जो होता है उसका अध्यक्ष होता है एक तरीके से, और उसी उच्च सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने में मदद करता। कभी कभी जब उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसा पड़ गया जिसमें राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं कर पा रहा, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जो है पद पर कार्य करता है, और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा तो इसमें सारी जो पावर्स होती हैं, तो ये एज अ प्रेसिडेंट ही सारी चीजें वर्किंग होती है। ठीक है, आइए इसी को बहुत ढंग से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, दूसरा सर्वोच्च पद देश का क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 63 है, यह उपबंध करता कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 क्या कहता, कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और आर्टिकल 89 यह कहता है कि वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो किसी लाभ के पद को धारित नहीं करेगा, यह आर्टिकल आपका 89 बोलता। साथ ही साथ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अपने यहां जो व्यवस्थाएं हैं इनको देखें, तो उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का वह भाग है, ये कार्यपालिका का तो भाग है, क्योंकि मैंने इससे पहले कार्यपालिका आपको पढ़ाई थी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी आते हैं,
लेकिन ये याद रखना, राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का भाग है, कार्यपालिका का भी भाग है, संसद का भाग भी है। साथ ही साथ इस प्रकार उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका होती है, एक तो कार्यपालिका में भी, जैसे प्रेसिडेंट की मैंने कार्यपालिका को लेकर के आपको भूमिका बताई थी कि प्रेसिडेंट विधि जो बन के आई उस पर जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वह विधि आपकी कानून नहीं होती, ठीक है। कोई बिल हुआ तो उन सारी चीजों पर राष्ट्रपति का जो है सिग्नेचर जरूरी होता है, तो वो एग्जीक्यूटिव और जो है संसद यानी विधायिका दोनों का अंग होता है। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट भी आपका संसद और विधायिका दोनों का अंग, विधायिका और आपकी कार्यपालिका दोनों का अंग होता है, समझ गए। निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को भी परोक्ष रूप से चुना जाता है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल इलेक्ट्रोल कॉलेज के माध्यम से चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक जो होगा मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है, ठीक है, याद रखना। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो निर्वाचक मंडल होता है इनमें भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग होती है, कैसे समझिए। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट की जो असेंबली होती है इनके कोई भी मेंबर शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में देखेंगे, तो जो स्टेट की असेंबली है इसके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। दूसरी बात, दूसरी भिन्नता क्या है, दूसरी भिन्नता यह है कि इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। संसद के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को यहां पर जो है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट जो है भाग लेने का अधिकार होता है। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने यह पढ़ा कि इसमें केवल इलेक्टेड मेंबर ही क्या करते हैं, वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके जितने भी हैं नॉमिनेटेड, चाहे मनोनीत हैं, चाहे आपके इलेक्टेड हैं, निर्वाचित हैं, सारे मेंबर यहां पर वोट देते हैं। तो दो भिन्नताएं याद हो गई, पहले तो प्रेसिडेंट में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं लेते। दूसरी बात, इसमें वाइस प्रेसिडेंट के जो है पार्लियामेंट के दोनों नॉमिनेटेड और आपका इलेक्टेड दोनों मेंबर यहां वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जबकि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें केवल आपके इलेक्टेड मेंबर ही वोट करते हैं, ठीक है। तो दोनों में ये भिन्नताएं हो गई। अब हमें क्या पढ़ना है, अब क्या जानना है, अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो तरह है, जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व वहां पर होता है, उसके अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तो जब आपसे मैनर ऑफ इलेक्शन पूछेगा तो वहां पर यह होता, और जो मतदान होता है पूर्ण रूप से गुप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं कि अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे तो कुछ इसकी शर्तें हैं। पहली शर्त में मैंने आपको बताया है कि जितने यहां भारत में अहम रोल हैं, अहम पद हैं, उन सारे पदों पर भारत के नागरिक की ही नियुक्ति होगी, ठीक है। तो पहली चीज वही होनी चाहिए, ठीक है, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण, ये तो लाभ के पद पर हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले चीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होनी चाहिए, लाभ के पद को धारण वह ना करता हो, सबसे जरूरी यह है। दूसरी बात, 35 इयर्स जो है उसकी एज हो चुकी हो, 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी बात, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो। और चौथी चीज कंपलसरी है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अपने यहां जितने बड़े पद हैं, अहम पद हैं, उन अहम पदों पर, ठीक है, भारत के नागरिक को छोड़कर कोई भी गैर नागरिक नियुक्ति नहीं हो सकती है, यह ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट आपका चुना गया, ठीक है, तो उस समय यह शपथ क्या लेता है, इस चीज को समझिए। देखिए, उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेनी अथवा वचन देना होता है। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति वचन देता है, क्या कहता है, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। वह अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण ईमानदारी से करेगा, ऐसा वो क्या करता है, शपथ लेगा। वह भारत के संविधान के प्रति
पूर्ण वफादार और निष्ठावान बना रहेगा, ये उसके शपथ में है। अगली चीज समझिए, उपराष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या हैं भैया, इनको जान लीजिए। संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, सबसे पहली चीज है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना धारित करता हो। दूसरी बात, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यह भी जरूरी है। यदि ऐसी किसी भी ऐसा कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देना होता है। जब वह त्याग पत्र दे देगा तो दूसरी जगह की सदस्यता यानी उपराष्ट्रपति का पद उसे मिल जाएगा। कार्यकाल आप सारे लोग जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है जब ये पद ग्रहण करता है उससे लेकर 5 वर्ष तक। हालांकि वह अपने कार्यकाल की अवधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। उसे अपने पद कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है पद से। कैसे? जैसे प्रेसिडेंट में आप सभी जानते हैं कि इम्पीचमेंट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर इंडियन प्रेसिडेंट को हटाना है, भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, तो उसके लिए महाभियोग एक प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। उसके लिए अलग अलग तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम शर्तें हैं, उन सारे शर्तों को क्या करना पड़ेगा, पूर्ण करना पड़ेगा। यहां पर वाइस प्रेसिडेंट को अगर मान लो हटाना है, तो जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होगा तो इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि महाभियोग की प्रक्रिया जैसे प्रेसिडेंट के जो है को पद से हटाने में की जाती वैसा अपनाया जाए। यहां पर औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, उसे राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। अर्थात सदन के कुल सदस्यों का अगर बहुमत है तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते और इसे लोकसभा की सहमत आवश्यक है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक 24 दिन का अग्रिम नोटिस ना दिया गया हो। मतलब 14 दिन पूर्व जैसे प्रेसिडेंट को नोटिस भेजी जाती, वैसे ही इसको भी एक पहले प्रस्ताव भेजा जाएगा, फिर आप इस पद पर बैठे आसीन व्यक्ति को हटा सकते हैं, ठीक है। एक चीज ये जरूर ध्यान देना कि संविधान में उसे हटाने हैं तो कोई भी आधार नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई आधार नहीं है कि इसको कैसे हटाया जाए। अगली चीज, इसकी पद रिक्तता के बारे में अगर बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, पद है, वह कैसे कैसे खाली हो सकता है, तो देखिए, एक तो आपका होता है सबसे बड़ी चीज भाई, अगर बीच में मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने पर तो जाहिर सी बात है पद खाली हो जाएगा। दूसरी जो चीज होती है, उसके द्वारा अगर त्याग पत्र दे दिया गया तब भी पद वह खाली हो जाएगा। और तीसरी बात होती है कि उसे बर्खास्त कर दिया जाए तब भी पोस्ट जो होगी वाइस प्रेसिडेंट की वह खाली होगी। उसके 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति होने पर पद खाली हो जाएगा, ठीक। अन्यथा उदाहरण के लिए, यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो तब उसका पद खाली हो सकता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का। चुनाव विवाद अगर हो गया, जैसे प्रेसिडेंट में आपने पढ़ा कि चुनाव का विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। वाइस प्रेसिडेंट में अगर मान लीजिए इलेक्शन को लेकर के कोई प्रॉब्लम आती है, विवाद होता है, तो यहां पर क्या होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय सुप्रीम कोर्ट आपका, वही जो प्रेसिडेंट में सुना था, मतलब उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाएंगे जिसका निर्णय अंतिम होगा। इस निर्णय के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में संसद के सारे सदस्य पूरे नहीं है और फिर भी चुनाव हो गया, तो इस आधार पर आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि इसमें सारे सदस्यों ने भाग नहीं लिया। अब इनकी पावर्स को देख लेते हैं, वर्किंग को देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं। कैसे, समझिए, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु, ठीक, या अन्य किसी कारण से रिक्त हो तो वह किस तरीके से कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेगा। दूसरी बात, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य करता। यह पूछता है कितनी माह, अधिकतम 6 माह तक ही, ठीक है, वह कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, यह चीज ध्यान रखना।
अगली दूसरी जो कंडीशन है, इसका दूसरा कार्य है, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, जैसे यूएस का प्रेसिडेंट करता। उसका भी क्या है कि वह उच्च सदन, यानी जो वहां उच्च सदन को अपने यहां राज्यसभा बोलते, वहां सीनेट बोलते हैं, ठीक है, और जो निम्न सदन होता है अपने यहां लोकसभा बोलते, वहां पर क्या बोलते, कांग्रेस बोलते हैं, का सभापति होता है। पारिश्रमिक यानी वेतन वगैरह, ठीक है, संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई पारितोषिक आदि की व्यवस्था नहीं है। वह राज्यसभा के सभापति में के रूप में वेतन प्राप्त करता है, ठीक है। 16 में अगर देखा जाए तो 3.5 लाख रुपए इसका कर दिया गया है वेतन आपका। इसके अतिरिक्त वह दैनिक भत्ता, मुफ्त आवास, स्वास्थ्य, यात्रा, सभी सुविधाएं सब कुछ उसे मिलती है, सारी चीजें मिलते रहते हैं। अब आप प्रेसिडेंट 1952 से लेकर 2019 तक मैंने बता दिया है कि पहला प्रेसिडेंट कौन था, इलेक्शन ईयर क्या रहा, नाम क्या रहा, पूरा मैंने हर एक चीजें इसमें नोट्स में आपके लिख दी हैं, ठीक है। ऐसे 22 प्रेसिडेंट से संबंधित भी मैंने लिख दिया है कि किसका निर्वाचन इस समय आपके 15 नवंबर 2017 में जिनका चुनाव हुआ, एम वेंकैया नायडू, ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित इतने ही प्रावधान है। सबसे ज्यादा अहम इसमें जो चीजें हैं, जो आपसे पूछता है, उतनी चीजों के बारे में मैंने परिचर्चा कर दी। उम्मीद है आपको इतनी बातें बहुत ढंग से समझ में आई होंगी। तो मस्त और बढ़िया कमेंट करके, ठीक है, दिल को खुश करते हुए जाइए। तो फिर मिलते हैं इससे नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट के आगे जो पार्ट होगा उस पर कल। धन्यवाद।